आज अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है और इस मौके पर सॉल्ट लेक में एक पद यात्रा की गई। इस मौके पर राज्यपाल अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद थे। राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा की गई ये पहल काफी अच्छी है। मैं पीएम मोदी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। किसी भी देश के लिए प्रगति करने का पहला मामला है वो स्वस्थ रहे। अ गुड हेल्थ इज पासपोर्ट टू गुड हेल्थ ऑफ द नेशन। मुझे बड़ी भारी खुशी है कि मंत्रालय के अधिकारियों ने बहुत ही दूरदर्शिता दिखाते हुए एक वाइडर पार्टिसिपेशन ऑर्गेनाइज किया है। मुझे और मेरी धर्मपत्नी सुरेश धनखड़ को यहाँ आकर हम अभिभूत हैं। कुछ बातें कहना चाहूँगा। 5000 साल पुराना इस प्रकार की पद्धति दुनिया में कहीं नहीं है। चाइना भी इसमें पीछे है। और 5000 साल तक इस पद्धति को जिंदा किसने रखा? किंवदंती ने। दांतों से कही हुई बात दादी ने रखा, नानी ने रखा। बच्चा घर में बीमार है, बूढ़ा घर में बीमार है तो नुस्खे मिलते हैं और कितने सार्थक होते हैं। इस चीज़ को हम भूल गए थे, अब इसको याद कर लिया गया है। क्या कहा गया? पहला सुख निरोगी काया। इफ़ यू डोंट हैव गुड हेल्थ नथिंग मैटर्स। ऐसी हालत में मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधुवाद देता हूँ दैट ही इन अ विजनरी मैनर 13 to 2014 कि भारत जैसे देश को जिसने पूरी दुनिया को ये पद्धति दी है एक नया मंत्रालय क्यों नहीं हो। उन्होंने एक नया मंत्रालय खोला। खोलने के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के समकक्ष संस्थाएं स्थापित की गई। पश्चिमी बंगाल वो भूमि है जो पूरे देश को इस मामले में और भी आगे ले जाने में सहायक हो सकती है। मैंने यहाँ देखा है मेडिकल साइंस में जितना बैकग्राउंड पश्चिमी बंगाल का है, जितना योगदान है शायद देश के किसी और कोने का नहीं है। तो मेरा ये अनुरोध है कि लोगों को उत्साह देकर इस चीज़ को घर घर पहुंचाएं ताकि हम आयुर्वेद में विश्वास रखें। अब देखिए योग है, आज पूरी दुनिया योग से अभिभूत है, पर योग भारत का है। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में जाकर दुनिया के लोगों को आह्वान किया कि योग दिवस मनाएं। नतीजा क्या हुआ? आज तक संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में इतनी ज़्यादा संख्या में देशों ने कभी किसी विषय का समर्थन नहीं किया जितना योग दिवस का किया। और योग दिवस अब दुनिया भर में मनाया जा रहा है, लोग योग अडॉप्ट करने लगे हैं। आज के दिन जो जिंदगी की आपाधापी है, आपसी लड़ाई जो है, आदमी अपने पद की बात करता है, अपने कर्तव्य के बारे में कम सोचता है, योग उसको शांति दे सकता है, योग उसको दिशा दे सकता है, योग समाज में संतुलन पैदा कर सकता है। तो योग आयुर्वेद इनको अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरा वो पुरानी कहावत है, गली में छोरा और गांव में ढिंढोरा। जब सब कुछ हिंदुस्तान में है, हजारों साल से है, सर्वश्रेष्ठ तरीके से है, वाई शुड वी लुक आउट? लेट अस बिलीव इन इट। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये आयोजन यहाँ पर हुआ है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।